साबका डीजीपी सुमेर सैनी ने हाईकोर्ट दे विच पटीशन दायर की है। दरअसल विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तारी मामले नूं लैके सुमेर सैनी ने पटीशन पाई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ते जॉइंट डायरेक्टर ते कार्रवाई की मांग की है। जांच अधिकारी डीएसपी हरिंदरपाल सिंह विरुद्ध कोर्ट की उलंघना के तहत सुमेर सैनी ने कार्रवाई की मांग की है। विजिलेंस विभाग के वल्लों गिरफ्तारी नूं लैके जिहड़ी पटीशन है वह दायर की गई है। हम दस दिए कि साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी के वलों पटीशन पाई गई है, हाईकोर्ट का रुख किया गया है। विजिलेंस के वलों गिरफ्तारी मामले में लैके सुमेर सैनी ने पटीशन पाई है ते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ते जॉइंट डायरेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। पटीशन लिखा है कि जांच अधिकारी डीएसपी हरिंदरपाल सिंह विरुद्ध कोर्ट की उलंघना के तहत कार्रवाई की जाए। दस दिए पिछले दिन साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, जिस लैके सुमेर सिंह सैनी ने हम विजिलेंस ब्यूरो के खिलाफ जी पटीशन है वह हाईकोर्ट दायर कर दी है। विजिलेंस ब्यूरो के खिलाफ कार्रवाई की जी पटीशन मांग की गई है। पटीशन कहा गया है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर से कार्रवाई हो, क्योंकि जांच अधिकारी डीएसपी हरिंदरपाल सिंह कोर्ट की उलंघना तहत कार्रवाई की मांग जी की गई है। हम एक बार फिर तो दस दिए कि पंजाब के साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाईकोर्ट के एक पटीशन दायर की है। दरअसल पिछले दिन सुमेर सिंह सैनी जरा विजिलेंस के वलों गिरफ्तार कर लिया गया सी। हुण विजिलेंस दे वल्लों उस गिरफ्तारी मामले दे विच सुमेर सैनी ने जिहड़ी पटीशन है उह दायर कीती है। पटीशन दे विच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ते जॉइंट डायरेक्टर ते कार्रवाई की मांग कीती है। उहदा कहना है कि जांच अधिकारी डीएसपी हरिंदरपाल सिंह विरुद्ध कोर्ट की उलंघना के तहत जिहड़ी कार्रवाई है वह होनी चाहीदी है, क्योंकि जिहड़ी उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है उस तों उन्होंने कोर्ट की उलंघना दस्सिया। इस कारण सुमेर सिंह सैनी नूं जमानत मिली सी कोर्ट के वलों, तो हुण उस केस दे विच डीएसपी हरिंदरपाल सिंह विरुद्ध कोर्ट की उलंघना तहत कार्रवाई की मांग सुमेर सैनी के वलों की गई है। इस लैके विजिलेंस विभाग के खिलाफ जिहड़ी पटीशन है वह हाईकोर्ट के विच साबका डीजीपी के वलों दायर कर दी गई है। तो हुण यह मामला कोर्ट के विच है, तो कोर्ट इससे की फैसला सुनाउंदा है आने वाला समा दसेगा। पर फिलहाल सुमेर सिंह सैनी ने हाईकोर्ट का रुख किया होया है, तो विजिलेंस ब्यूरो की जिहड़ियां मुश्किलां ने वह वधदी हुई दिखाई दे रही ने। सुमेर सिंह सैनी के वकील का कहना सी कि विजिलेंस ब्यूरो ने चलाकी के नाल सुमेर सैनी को गिरफ्तार किया है। हुण उसे दे चलदिआं जिहड़ी है पटीशन है पाई गई है। साडे नाल साडे ब्यूरो चीफ नीतिका महेश्वरी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जी नीतिका, साबका डीजीपी सुमेर सैनी के वालों हाईकोर्ट के विच पटीशन दायर की गई है, की है पूरा मामला? बिल्कुल अनुवे, तुसी देखा होगा कि साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी विजिलेंस ने हिरासत के विच लिया सी, फिर गिरफ्तार किया सीगा। 30 घंटे उन्होंने जिहड़ा हिरासत के विच रखिया, उस तो बाद उन्होंने जिहड़ा है कोर्ट के ऑर्डर तो बाद रिलीज कर दिता गया। कोर्ट ने इस जिहड़ी गिरफ्तारी नूं गैर कानूनी भी दस्सिया, ते उस तों बाद हुण सैनी वल्लों हाईकोर्ट दा रुख कीता गया है ते अवमानना याचिका दाखिल कीती गई है। अवमानना याचिका यानी कि जे कोई कोर्ट दे ऑर्डर दी अवमानना करता है, उसनूं नहीं मानदा, ते इहनां दा कहना है कि मैनूं पहलां ही, सैनी दा कहना है कि मैनूं पहलां ही हाईकोर्ट तों राहत मिली हुई है कि जे किसी भी केस दे विच विजिलेंस होवे या फिर पंजाब पुलिस होवे कोई कार्रवाई करना चाहुंदी है तां उहनां नूं 7 दिन पहला नोटिस दिता जाए, यानी कि गिरफ्तारी तो 7 दिन पहला उन्होंने नोटिस दिता जाए। पर उन्होंने कहना सीगा कि मैनू अजिहा कोई नोटिस भी नहीं दिता, मैं किसी होर केस की जांच में शामिल होने वास्ते आया, पर मैनू जिहड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। इस दे विच उन्होंने कई नां जिहड़े ने पटीशन दे विच दिते ने, यानी कि उन्होंने जिक्र किया है, तो कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकल फायदा चुकने वास्ते मैनू गिरफ्तार किया गया। नाल ही इहदे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री दे एडवाइजर का जरा जिक्र किया गया है, तो कहा गया है कि भरत इंदर चहल के कहन से ही यह
जिहड़ा कार्रवाई मेरे से की गई उहदे विच उहनां ने विजिलेंस के डायरेक्टर बी के उपल का नाम दिता है। इस दे नाल ही जिहड़े होर ऑफिसर्स ने चाहे वह वरिंदर सिंह बराड़ हो या फिर हरिंदर पाल सिंह उन्हों का भी जिक्र किया है कि इन्हों से कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर जिहड़े ने वह नहीं मने। तो देखना होगा कोर्ट जिहड़ा है इससे की रुख इख्तियार करता है। नितिका जागर जिहड़ा फैसला है हाई कोर्ट है वह विजिलेंस ब्यूरो के हक दे विच कर दिए तां सुमेर सिंह सैणी कोल की विकल्प ने कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। देखो जे गल की जाए तो सैनी नू ऑलरेडी हाई कोर्ट तो रिलीफ मिलिया हुआ है तो सैनी दी मुश्किलां नहीं वधनगियां। तो हो सकता है कि सैनी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी ना करन पर हाले कह सकते हैं कि बहुत ही एडवांस स्टेज से जिहड़ा यह केस है हाले तो यह देखना होगा कि कोर्ट विजिलेंस तो जवाब तलब करती भी है या नहीं करती। पर यह जरूर है कि सुमेर सिंह सैनी चुप करके नहीं बैठे। जिस तरह उन्होंने गिरफ्तारी की गई जिथे एक पासे उन्हां वल्लों हाई कोर्ट का रुख किया गया है कि विजिलेंस के ऑफिसर्स से कार्रवाई की जाए दूसरे पास यह भी दस दी कि विजिलेंस ने भी हाई कोर्ट का रुख किया है। तो उन्हां का कहना है कि जिहड़े हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुनाए थे रिलीज करन दे सैनी नूं उसनूं रिव्यू किया जाए उसनूं रिकॉल किया जाए। हाई कोर्ट की सुनवाई तो बाद ही पता चलेगा कि फैसला जिहड़ा सुमेर सैनी के हक च आउंदा है या फिर विजिलेंस ब्यूरो के हक दे विच। तुसीं साडे नाल बणो तुहाडे कोल असीं फिर आवांगे। दस दिए कि विजिलेंस विभाग के खिलाफ सबका सुमेर सैनी ने सबका डीजीपी सुमेर सैनी ने हाई कोर्ट के पटीशन जी है वह दायर की है गिरफ्तारी के मामले के गिरफ्तारी हुई थी उस मामले जी पटीशन है वह दायर की गई है।